एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट केयर पॉइंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ वॉइस का अगला टॉपिक जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम पिछली वीडियो में हमने किया था फ्यूचर सिंपल टेंस, और बीच में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका पैसिव चेंज नहीं होता ओल्ड ग्रामर के अनुसार। तो हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर है, परफेक्ट है, अब जो भी काम आने वाले टाइम में पूरा हो चुका होगा हम उसके बारे में बात करेंगे और चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव। अब देखिए भी जब एक्टिव में अफर्मेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस का, तो उसमें क्या रहता है? देखो फ्यूचर सब हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फ्यूचर है तो शैल और विल होगा, शैल और विल। अब मैंने आपसे कहा है पिछली वीडियो में भी, मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि मॉडल जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर जो है परफेक्ट है तो हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको करते हैं पैसिव में चेंज। तो पैसिव में चेंज करने का रूल रहेगा पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेम। अब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक अगली घड़ी के साथ जुड़े होते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। शैल विल, शैल विल रहेगी, शैल हो जाएगा, विल हो जाएगा, और प्लस में हैव रहेगा। अब देखिए वहां हमने किया था पास्ट परफेक्ट में किया था हैड, और प्रेजेंट परफेक्ट में किया था हैज और हैव। जब हमने वॉइस में चेंज किया, वॉइस को पैसिव में चेंज किया था एक्टिव से पैसिव में, तो तब हैव के बाद हमने एक वर्ड ऐड किया था जिसका नाम था बीन। तो हम यहाँ भी बीन ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास है, और प्लस में प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, और प्लस में क्या है? ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल सा लॉजिक है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हमें एक वर्ड ऐड करना है और हैज हैव या हैड के बाद, और वो क्या है? बीन। जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो देखते हैं इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है? दे विल हैव क्लोज्ड, दे विल हैव क्लोज्ड their shop, their shop। अब देखें will है, have है और closed है। तो ये हमारा sentence किसमें है? active voice में। किसमें? active voice में। जब हम इसको passive में change करेंगे, they भी जो है वो क्या बन जाएगा? subject, और their shop हमारी क्या बन जाएगी? यानी their shop हमारी क्या बन जाएगी? subject, और they क्या बन जाएगा? object। तो passive में change जब हम करेंगे passive voice में, तो देयर जो हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? सब्जेक्ट, वो हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो देयर शॉप, देयर शॉप विल हैव, विल हैव। अब थर्ड फॉर्म हमारे पास है ही पहले से, हमें बस क्या ऐड करना है? बीन क्लोज्ड बाय दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, प्रोनाउन है ये, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है एक्टिव वॉइस का? वो है द पीएम विल हैव डिलीवर्ड ए स्पीच। अब द पीएम हमारा सब्जेक्ट है और ए स्पीच ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? ए स्पीच विल हैव बीन। अब एक हमें वर्ड ऐड करना है बस, बीन डिलीवर्ड बाय द पीएम। पीएम क्या के था आएगा ही, क्योंकि ये एक डेजिग्नेशन है। तो अब देखते हैं इसकी हिंदी। तो हिंदी क्या है? दे विल हैव क्लोज्ड देयर शॉप, वो अपनी शॉप क्लोज कर चुके होंगे। अभी फ्यूचर की बात है। देयर शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय देम, उनकी शॉप क्लोज्ड की जा चुकी होगी उनके द्वारा। अगला है द पीएम विल हैव डिलीवर ए स्पीच, पीएम भाषण दे चुका होगा। अब है द स्पीच विल हैव बीन डिलीवर बाय द पीएम,
भाषण पीएम द्वारा दिया जा चुका होगा। अब बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में किसका हम यूज करते हैं, गागे गी का, ताकि हिंदी में थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए और इंग्लिश के सेंटेंस आप बनाने लग जाओ। तो देखते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर और वो कौन सा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में हम क्या यूज करने वाले हैं, नोट। हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें नोट ऐड करना है, एक्टिव। इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो क्या रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट होगा विल और शैल होगी। अब विल और शैल हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर आएगा नोट प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। कब, जब ये होगा एक्टिव में, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट लिखेंगे विल शैल रहेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और विल किसके साथ आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। प्लस में नोट, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारे पास है ही पहले से, प्रीपोजिशन और प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, वी शैल नोट हैव बिल्ट आवर हाउस। अब देखिए शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है डायरेक्ट। तो यहां पर क्या है हमारे पास, ये टेंस सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त वी हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अवर हमारा ऑब्जेक्ट है अवर हाउस, तो वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अवर हाउस विल, अब अवर हाउस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हमने क्या लगाया, विल नोट हैव बीन। एक वर्ड हमें ऐड करना है, मैं बार बार कह रही हूं, बिल्ट बाय अस। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है एक्टिव वॉइस का, आई शैल नोट हैव कंप्लीटेड माई टास्क। टास्क होता है काम, कठिन काम। तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और माई टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो माई टास्क हमारा क्या बन जाएगा, माई टास्क बन जाएगा सब्जेक्ट। Yes, it become subject. My task क्या है, थर्ड पर्सन है तो क्या है इसके साथ, will. My task will not have been completed by me. अब देखते हैं इसकी हिंदी, we shall not have built our house. हम अपना घर नहीं बना चुके होंगे। Our house will not have been built by us. हमारा घर हमारे द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। I shall not have completed my task. मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा। और my task will not have been completed by me. मेरा काम मेरे द्वारा completed नहीं किया जा चुका होगा। अब यह अगला structure, that is interrogative structure. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे सेंटेंस। तो जब भी हम इंटरोगेटिव से सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो एक्टिव में हो, एक्टिव वॉइस में, चाहे वो पैसिव वॉइस में, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ रहती है, सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल और विल, प्लस में होगा सब्जेक्ट, प्लस में होगा हैव, प्लस में होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो क्वेश्चन मार्क। व्हेन इट इज इन शैल विल
प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, प्लस में बीन। अब एक वर्ड हमें ऐड करना है, दैट इज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से है, प्लस में प्रीपोजिशन और प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसके एग्जांपल। एग्जांपल है विल ही हैव प्रोवाइडेड, विल ही हैव प्रोवाइडेड फूड, प्रोवाइडेड फूड। तो इस देखिए ये विल है, विल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट। तो यहां पर ये एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस हमारा किसमें है, एक्टिव वॉइस में। जब इसको हम किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो तब हमारा ही जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फूड हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो उसके साथ क्या आएगा, विल, विल फूड हैव, विल फूड हैव बीन। बस एक वर्ड हमें एडिट करना है, वो है बीन, बीन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बाय हिम। ही का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, ही, और ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो क्या है, एक्टिव वॉइस में शैल वी, शैल वी हैव, शैल वी हैव सरप्राइज्ड, शैल वी हैव सरप्राइज्ड आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। अब देखे ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आवर पेरेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। कब, व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो पेरेंट्स है, आवर पेरेंट्स, वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आएगा, विल, विल आवर पेरेंट्स, विल आवर पेरेंट्स हैव बीन सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट अस, सरप्राइज्ड एट अस। अब देखिए हम लिख रहे थे प्रीपोजिशन बार बार, यहां प्रीपोजिशन कौन सा आया, बाय, लेकिन यहां कौन सा आया, एट। हर वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस कर रही हूं कि हर वर्ब के साथ बाय नहीं आता, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ अदर प्रीपोजिशन आते हैं। तो देखते हैं हम इसकी हिंदी, विल ही हैव प्रोवाइडेड फूड, क्या वो फूड प्रोवाइड कर चुका होगा, यानी ला चुका होगा, विल फूड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हिम, उसके द्वारा फूड प्रोवाइडेड किया जा चुका होगा। अगला देखिए, शैल वी हैव सरप्राइज्ड आवर पेरेंट्स, अब हम अपने पेरेंट्स को, क्या हम अपने पेरेंट्स को सरप्राइज कर चुके होंगे, आश्चर्यचकित कर चुके होंगे। अगला है विल आवर पेरेंट्स हैव बीन सरप्राइज्ड एट अस, क्या हमारे पेरेंट्स हमारे द्वारा सरप्राइज किए जा चुके होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं वो बेल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली नई स्टडी वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो अगला हमारा वॉइस का टॉपिक रहेगा वो है WHO फैमिली से, जिसको हम करेंगे अगली वीडियो में, और जो पुरानी वीडियो जो इससे पहले की वीडियो है, रिलेटेड वीडियो है, उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताएं।